गाइज हरिद्वार आने के लिए सबसे बेस्ट मीडियम दिल्ली एनसीआर से लगता है मेरे को बाय रोड, और बाय रोड यहाँ पर 4 घंटे की ड्राइव करके आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पकड़कर इजीली हरिद्वार पहुँच सकते हैं। इसी के साथ आप बाय बस भी आ सकते हैं, और बाय बस रात को काफ़ी सारी बस चलती हैं दिल्ली आईएसबीटी से और दिन में भी चलती हैं, तो वो भी आप करके आ सकते हैं। इसी के साथ अगर आप बाय रेल आना चाहते हैं तो डायरेक्ट हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर उतर सकते हैं और पहुंच सकते हैं हरिद्वार। और अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट आपको पड़ेगा देहरादून, जहाँ से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है हरिद्वार, जहाँ आप बाय टैक्सी एयरपोर्ट से हरिद्वार पहुँच सकते हैं। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप काफ़ी पॉजिटिव होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। सुबह नए दिन की शुरुआत हो चुकी है यहाँ हरिद्वार से, और आज हम आपको यहाँ हरिद्वार में दिखाने वाले हैं गंगा जी का जल स्तर कैसा है, कौन सा घाट यहाँ सबसे उत्तम है, खाने पीने के यहाँ पर कौन से अच्छे रेस्टोरेंट हैं, कौन से व्यंजन हैं, कौन कौन सी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आने के लिए बेस्ट प्लेसेस कौन से हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, और गंगा आरती, तमाम सारी जानकारियाँ आपको इस वाले ब्लॉग के अंदर मिलेंगी। इसी के साथ आपको गंगा जी का जल स्तर कैसा है, पानी इस समय कैसा है, तमाम ये सारी जानकारियाँ भी आपको इसी ब्लॉग के माध्यम से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जय माँ गंगे, हर हर गंगे। तो गाइज ये है जी दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग हरिद्वार, और यहीं पर अब हम अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे। और यहाँ पर भी आवरली बेसिस पर टैरिफ है। सो देख सकते हैं जी, ऐसा कार्ड आपको दिया जाता है। जब आप एग्ज़िट करेंगे तो ये कार्ड आपको दिखाना होता है, जितने घंटे आपने पार्किंग यूज़ करी है उस हिसाब से आपसे पेमेंट ली जाती है। सो जी चल रहे फटाफट माँ गंगा की अविरल धारा देखने और स्नान करने। गाड़ी हमने यहाँ पार्क कर दी है जी दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में, और ये देखिए जी ऊपर जगह मिली है, नीचे तो फुल है। सो गाइज पार्किंग से जब आप आते हैं तो आप सीधा पहुंचते हैं इस वाले पुल के ऊपर, और इस वाले पुल से आपको दर्शन होते हैं माँ गंगा की अविरल धारा के। ये देख सकते हैं जी, क्या ही अद्भुत है, कितनी बढ़िया। और अब धीरे धीरे जैसे कि मॉनसून कम हो रहा है तो धीरे धीरे जल साफ होना शुरू हो चुका है, नहीं तो थोड़ा मटमैला जल हो जाता है मानसून के अंदर। और वो जो पुल आप सामने देख रहे हैं, वो पुल क्रॉस करके आप सीधा जाते हैं मां मनसा देवी रोपवे के लिए। तो पार्किंग से जब आप आते हैं तो सीधा इस वाले पुल पे आते हैं, और इससे जस्ट वो वहां पर है वो पुल। तो आप सिंपल अपने इस वाले घाट से चलकर उधर जा सकते हैं, आपको कोई रिक्शा वगैरह किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। सो गाइस आप देख सकते हैं भागीरथी सेतु और पिंडदान वगैरह, ये सब जो वो पुल आप देख रहे हैं यहीं पर होते हैं। और जो उससे आगे वाला घाट है वो है हर की पैड़ी घाट। वो देखिए जी सामने अस्थि प्रवाह घाट। तो दाह संस्कार के बाद जब आप गंगा स्नान के लिए व्यक्ति आता है तो इसी घाट पर आता है। गाइस इस साइड से जा रहे हैं तो इससे आगे आपके जूते चप्पल ले जाना अलाउड नहीं है, तो उनको आप यहाँ पर जमा करा सकते हैं निःशुल्क और आगे जा सकते हैं। और अब मैं आगे बढ़ रहा था हर की पैड़ी के ब्रह्म कुंड घाट पर, जहाँ पर स्नान करने से सबसे ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है। और इसे ब्रह्मकुंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहीं पर अमृत मंथन के समय अमृत की बूंद गिरी थी। और थोड़ी देर विश्राम करके मैं चला जाता हूँ माँ गंगा में डुबकी लगाने। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। बोलो मुख से ओम विष्णु विष्णु नमः। परमात्मा ने जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यवर्ते देशांतर्गते मायापुरी हरिद्वार का जो वर्ल्ड नेम है मायापुरी मायापुरी। वैसे तो हरिद्वार का पुराना नाम मायापुरी, कपिला और गंगा द्वार भी है, पर भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त इसको हरिद्वार के नाम से पुकारते हैं। मान्यता के अनुसार माँ गंगा का उद्गम हरिद्वार से ही होता है और ये हरि का द्वार है, क्योंकि चार धाम की होने वाली यात्रा भी इसी द्वार से ही शुरू होती है माँ गंगा के स्नान के बाद, और इसीलिए इसको गेटवे टू गॉड भी कहा जाता है। तो जी देख सकते हैं मनसा देवी प्रवेश द्वार, यहीं से अंदर चलेंगे उड़न खटोला के लिए। सो गाइस बिल्कुल पहुंच चुके हैं रोपवे के पास और टिकट लेके फिर आपसे कनेक्ट करते हैं। गाइस जैसा कि आप सामने देख सकते हैं ये है रोपवे के टिकट प्राइस और इसके अंदर माँ चंडी देवी और माँ मनसा देवी का भी कंबाइंड पैकेज भी है। सो गाइस देख सकते हो भाई यहाँ पर 2232 रुपये कुछ का हमारा टिकट बना है टोटल और 3 जनों का है, और ये हमने लिया है विदाउट वेटिंग वाला, गेट नंबर 1 से इसमें एंट्री है। वीआईपी टिकट की वजह से आपको ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ता और रोपवे लेकर आप लगभग 2 से 3 मिनट के अंदर ही ऊपर पहुंच जाते हैं माँ मनसा देवी के मंदिर पर। और नीचे जो आप देख रहे हैं ये है पैदल आने का यात्रा मार्ग जो कि 4 किलोमीटर का है, काफ़ी है भाई। जैसा कि आप देख सकते हैं हम फिलहाल रोपवे से उतर चुके हैं और कुछ इस तरीके की भीड़ है यहाँ पर देखने को जो मिल रही है मां मनसा देवी के मंदिर से पहले। ये कितने का पड़ेगा प्रसाद? ये 100 रुपये का भैया, ये 150 का है, चुन्नी वाला लेंगे 250 का। चुन्नी वाला 250, ये 150 और ये 100 रुपये का। माँ मनसा देवी के दर्शनों के पश्चात यहाँ पर दर्शन होते हैं आपको श्री पशुपति नाथ जी के और गरुड़ वाहिनी माँ वैष्णो देवी जी के। इसी के साथ जी यहाँ पर आपको फिर आगे दर्शन होते हैं माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों के, ये आप देख सकते हैं। और अब ये मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंट्रेंस द्वार है जहाँ से मैं गया था दर्शन करने माँ मनसा देवी जी के, और बिल्कुल यहीं पर यह रोपवे का काउंटर। यहाँ से आपने अगर राउंड टिकट नहीं लिया है तो आप टिकट ले सकते हैं और साथ में इस कैफेटेरिया में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। ये है जी कैफेटेरिया जहाँ पर आपको फूड, स्नैक्स, रिफ्रेशमेंट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। अब चलते हैं जी बाहर की तरफ। ये है जी बाहर का एग्जिट बस स्टैंड, यहाँ से 150 मीटर तक का यहाँ से रास्ता है और यहाँ से अब हम जाएंगे श्री चंडी देवी जी के बस स्टैंड के लिए जहाँ पर बसेस आती हैं और यहीं से आपको पिक किया जाता है चंडी देवी जी के लिए। आपको बता दूं जो हमने कॉम्बो टिकट लिया है उसके अंदर हमने ये ट्रांसपोर्ट फेयर इंक्लूड करवाया था, तो आप भी अगर टिकट ले रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट फेयर इंक्लूड करा के लें, ताकि एक ही पैटर्न के साथ आप एक ही उड़न खटोला से उतरकर सीधा ट्रांसपोर्ट लेके दूसरे उड़न खटोला की तरफ जा पाएँ। फिलहाल जी काफ़ी इंतज़ार के बाद अपनी बस आ चुकी है और इसमें बैठ के अब हम चल रहे हैं श्री चंडी देवी जी के दर्शनों के लिए उनके रोपवे पर। और आपको बता दूं जी ग्रुप वाइज बस में आपको नंबर दिया जाता है और इसी नंबर के हिसाब से आपको सीटिंग मिलती है। और अब हम पहुंच चुके हैं श्री चंडी देवी जी के रोपवे स्टैंड पर और अब चलेंगे यहाँ से माँ चंडी देवी जी के मंदिर की ओर। फिलहाल अब आप देख सकते हैं जी हम चल रहे हैं श्री चंडी देवी जी के दर्शनों के लिए और बैठ चुके हैं रोपवे में। क्या ही सुंदर नज़ारा है यहाँ से पूरी घाटी का, बहुत ही अद्भुत। जय माता दी। तो जी पहुँच गए यहाँ पर रोपवे स्टेशन पर और अब सीधा चल रहे हैं माँ चंडी देवी के दर्शन करने। तो जी माँ चंडी देवी के यहाँ पर पहुँचकर आपको कैंटीन दिखती है और कैंटीन से आगे फिर आता है मेन भवन का रास्ता। चलते हैं जी सीधा। तो भाई प्रसाद की थाली आपको 100 रुपये, 150 रुपये और 250 रुपये की मिलेगी। फिलहाल हमने 250 वाली ली है माता जी को अर्पण करने के लिए। जय माता दी। माँ चंडी देवी जी के दर्शनों के पश्चात आपको काल भैरवनाथ जी के दर्शन होते हैं और उसी के पश्चात आपको होते हैं श्री संकटमोचन हनुमान जी के दर्शन और फिर आप चल पड़ते हैं आगे इन प्रसाद काउंटर से होते हुए बाहर की तरफ, जो कि रास्ता जाता है माँ अंजना देवी की तरफ जो कि हनुमान जी की माता जी थी। अब चल रहे हैं उनके दर्शन कर। सो जी अंजनी माता के दर्शन के लिए जा रहे हैं और देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने की भी व्यवस्था है और प्रसाद आदि की भी। ये सामने है, यहीं पर इधर अंजनी माता है और यहीं पे संतोषी माता का मंदिर है और संकट मोचन हनुमान जी का। सो जी अब आगे बढ़ रहे हैं काली माता और नागेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। मां चंडी देवी जी की असीम कृपा दर्शन संपन्न हुए। अब चल रहे हैं जी वापस हरिद्वार सिटी की तरफ। तो गाइस मां चंडी देवी पर जैसे ही आप रोपवे से बाहर आते हैं आपको मिलता है बढ़िया सा गेमिंग जोन और फूड पॉइंट, यहाँ आके आप इंजॉय कर सकते हैं। गाइस अपनी बस आ चुकी है जो वापस अपने को लेके वहीं पर छोड़ेगी। देखिए जी क्या ही बढ़िया फूड पॉइंट है यहाँ पर, ये देखो जी। इसी के साथ जी अब हम आ गए हैं श्री पशुपति नाथ जी महादेव के मंदिर में दर्शन करने, और आप दर्शन कर सकते हैं जी हर हर महादेव। नेपाल के अलावा पशुपति नाथ जी के दर्शन यहाँ हरिद्वार में ही आपको होते हैं, जो कि बहुत ही सुगम और बहुत ही अद्भुत है। गाइस हरिद्वार केवल हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि सिखों के लिए भी एक बहुत पवित्र तीर्थ है। 16वीं शताब्दी में श्री गुरु नानक देव जी यहाँ पर आए और उनके बाद श्री अमरदास जी यहाँ पर लगभग 22 बार आए। हरिद्वार की धरती हमेशा से ही एक धार्मिक स्थल रही है। अगर पुराणों की माने तो यहाँ पर गरुड़ पुराण के अंदर हरिद्वार का काफ़ी जिक्र आता है, और इसी के साथ यहाँ पर जो पुराने मौर्य और कुशान दोनों डायनेस्टीज़ का यहाँ पर रूल रहा है तो उनके अंदर भी काफ़ी इनका जिक्र आता है हरिद्वार का। सो गाइस फिलहाल हम खड़े हैं हर की पैड़ी पर, और यहीं पर ये है राजा बिरला टावर जो कि आपको देखने को मिलता है, और आप देख सकते हैं हर की पैड़ी का ताज़ा नज़ारा भाई। सो गाइस मैं आपको हर तरफ से ना हर की पैड़ी का दर्शन करा रहा हूँ, और आप देख सकते हो इस तरफ से हर की पैड़ी का घाट क्या ही खूबसूरत दिख रहा है। ये देख सकते हैं जी पंतदीप पुल, हर की पैड़ी घाट के बिल्कुल सामने यही पुल पड़ता है, और इस पुल पे सबसे ज़्यादा रश रहता है आरती के समय। सो जी सामने है हर की पैड़ी घाट और उससे जस्ट पहले ये एक पुल है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ पर बहाव देखिए कितना तेज़ हो जाता है। जय माँ गंगे हर हर गंगे। सो जी माँ गंगा के पवित्र शीतल जल के अंदर स्नान करके अभी जस्ट बाहर आए हैं, कपड़े वगैरह चेंज हो गए हैं और शाम का समय होने को चला है, और अब होएगी माँ गंगा जी की आरती। और उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर घूमने वाले 2 प्रसिद्ध मंदिर जो आप अगर हरिद्वार आते हो तो आपको ज़रूर देखने चाहिए। चलिए तो गाइज अब हमने 50 रुपये में रिक्शा कर लिया है और अब हम जा रहे हैं पावन धाम मंदिर देखने। वैसे तो हरिद्वार में बहुत सारे मंदिर हैं जहां आप दर्शन कर सकते हैं, पर मेन पावन धाम मंदिर है और दूसरा है भारत माता मंदिर। तो इन्हीं दोनों मंदिरों में दर्शन करके वापस आ जाएंगे जी हर की पैड़ी घाट पे माँ गंगा जी की आरती अटेंड करने। तो गाइस भैया ने हमें छोड़ दिया भीम घोड़ा और उससे आगे वो नहीं जाते हैं। अब हमने करा है दूसरा ऑटो और 20 रुपये पर पर्सन में अब हम पहुंचेंगे पावन धाम। सो गाइस पावन धाम मंदिर पहुंच चुके हैं, और ये देखिए कांच का मंदिर, शीशे का महल, इस तरीके से पावन धाम मंदिर को जाना जाता है। चलिए देखते हैं। तो मंदिर की एंट्रेंस में आपको कुछ ऐसी स्टॉल सी दिखती है, और इसी के बाद जब आप आगे अंदर बढ़ते हैं तो आपको ये हॉल मिलता है। यह है जी जूता स्टॉल, तो यहाँ पर आप अपने जूते या चप्पल आदि उतार के आगे बढ़ सकते हैं। सो जी अंदर आ चुके हैं पावन धाम मंदिर में, और आप देख सकते हो क्या ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही बढ़िया जी। बीच में आपको मिलती है माँ गंगा की प्रतिमा और उनके ही पीछे हैं वीर बजरंगबली। ये देखिए जी गणपति गणेश जी महाराज, श्री भगवान शंकर, माँ पार्वती, और ये संतोषी माता, संस्थापक गुरुदेव, ये हनुमान जी, सभी देवी देवताओं की यहाँ पर मूर्तियाँ आपको मिलती हैं। प्रभु लक्ष्मी नारायण जय हो। वहाँ से जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो आपको बहुत ही भव्य मंदिर का प्रांगण दिखता है अंदर से। ये देखिए जी, यह सामने श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का एक दृश्य यहाँ दिखलाया गया है। गाइस, पावन धाम मंदिर से दोबारा एक ऑटो करके 20 रुपए पर पर्सन में मैं पहुंच चुका हूं भारत माता मंदिर, देख सकते हो जी। गाइस, भारत माता मंदिर एक बहुत ही विचित्र मंदिर है हरिद्वार का, और यहाँ पर आपको देवी देवताओं की मूर्ति के अलावा भारत माता की मूर्ति मिलती है। इसी के साथ मंदिर में 7 फ्लोर बनाए गए हैं और हर फ्लोर के ऊपर एक अलग श्रेणी को दर्शाया गया है। किसी फ्लोर पर साधु संतों को दर्शाया है, किसी फ्लोर के ऊपर भारत माताओं को दर्शाया है, किसी फ्लोर के ऊपर विष्णु भगवान है और सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर श्री महादेव हैं। इसी तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है। यहाँ पर आप आ रहे हैं तो इस मंदिर में ज़रूर दर्शन करें और 5 रुपये में लिफ्ट का चार्ज देकर आप सारे फ्लोर पर ऊपर जा सकते हैं। तो गाइस, 20 रुपये पर पर्सन में रिक्शा बुक करके हम पहुँच रहे हैं भीम घोड़ा, फिर वहाँ से 20 रुपये पर पर्सन का रिक्शा करके हम पहुँचेंगे हर की पैड़ी। फिर से कर लिया है जी ऑटो और अब चल रहे हैं हर की पैड़ी। तो एक पावन धाम में पावन दर्शन हो गए और फिर उसके बाद भारत माता मंदिर में भी दर्शन हो गए। अब हम चल रहे हैं सीधा हरिद्वार का जायका एक्सपीरियंस करने। चलिए फटाफट चलते हैं। सुबह सामने आप देख सकते हैं मोहन जी ठंडी लस्सी, देखिए भैया ये 60 रुपये। तो भाई ये है फेमस मोहन जी पूड़ी वाले, और इनके यहाँ की पूड़ी सब्जी बहुत फेमस है हरिद्वार में। और बिल्कुल ये आप देख सकते हैं गंगा द्वार है और इसी के सामने इनकी शॉप है। चलिए ट्राई करते हैं। रेट लिस्ट कुछ इस प्रकार है। तो जी पूड़ी सब्जी अपनी आ चुकी है, फटाफट से ट्राई करते हैं फिर आपको बताते हैं कैसी है। तो भाई पूड़ी का टेस्ट एकदम ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया पूड़ी खा के, बहुत ही सही था, बहुत ही सही। और लस्सी सही बताऊं तो प्रकाश वाले की फेमस है, मोहन वाले की लस्सी फेमस नहीं है। और इसकी लस्सी भी मेरे को कॉमन लगी, फेमस नहीं लगी। मतलब एक फेमस लस्सी में जो बात होती है ना वो नहीं थी, बिल्कुल एक नॉर्मल लस्सी की तरह थी, जैसा अपने दिल्ली फरीदाबाद में भी मिलती है वैसी लस्सी थी। तो गाइस फिलहाल आ चुके हैं मथुरा वालों की प्राचीन दुकान। ये थोड़ा सा आपको अंदर आके मिलेगी मोती बाजार में। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे घिया की बर्फ़ी ये काफ़ी फेमस है, और एक ये दोनों चीज़ यहाँ काफ़ी फेमस है। तो भाई अभी ट्राई कर देंगे घिया बर्फ़ी, जबरदस्त एकदम बढ़िया। तो जी अब ये बालूशाही ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसी है। काफ़ी जबरदस्त, और ये देख रहे हो स्टफिंग, देख रहे हो बहुत ही बढ़िया। और ये है जी यहाँ पर फेमस नाथुराम पत्थर वालों जी की दुकान। ये आप देख सकते हो फेमस ये अचार की बोटलियाँ और ये सारी चीज़ें जो अब बहुत रेयर मिलती हैं वो यहाँ सब अवेलेबल है। और ये है जी यहाँ का एक प्रीमियम रेस्टोरेंट करी लीफ। तो यहाँ पर भी अगर आप आते हैं तो यहाँ बैठकर भी आप आराम से अपनी फूडिंग एंजॉय कर सकते हैं। और ये बिल्कुल गंगा द्वार के गेट के बिल्कुल पास में है, या फिर मोहन जी पूड़ी वाले के एकदम अपोजिट। और अब जी यहाँ के सबसे स्पेशल मोमेंट यानी कि गंगा आरती का समय हो चुका है, अनाउंसमेंट हो रही है, घाट सज चुके हैं और अब कुछ ही क्षणों में गंगा आरती शुरू होने वाली है। तो चलते हैं, अपनी सीट ले लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं गंगा आरती। तो जी हर हर गंगे, जय माँ गंगे। गाइस, माँ गंगा की कृपा से बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। गंगा आरती देखने का दोबारा एक बार अवसर मिला और बिल्कुल मंत्र मुग्ध हो जाते हैं गंगा आरती देख के। हरिद्वार आ रहे हैं तो इस मोमेंट के लिए स्पेशल टाइम रखना, इस मोमेंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। बहुत ही आपको आनंद आने वाला है इस मोमेंट को बिल्कुल देखकर अपनी आँखों से। और देख सकते हैं जी, हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं होता जब ये घाट खाली रहते हो, हमेशा ऐसी भीड़ियाँ रहती है गंगा आरती के समय। तो जब भी आएँ गंगा आरती ज़रूर देखें। सो गाइस, फाइनली अपने दर्शन हो चुके हैं माँ गंगा के और आरती भी हमने अटेंड करी माँ गंगा की कृपा से। फ़िलहाल इस हरिद्वार वाले व्लॉग को अब यहीं पर एंड करते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो भाई प्लीज़ गिव इट अ लाइक। चैनल पे अगर नहीं होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। और मिलता हूँ दोबारा कल आपसे एक नए दिन की शुरुआत के साथ एक नए व्लॉग में। टिल देन, Keepingyoualive05 आपके भाई की इंस्टा आईडी है, जल्दी जाके फॉलो कर लो। लेटेस्ट अपडेट रील की फॉर्म में सबसे पहले वहीं पर आते हैं। चलिए बाय।